सांगनेर तहसील क्षेत्र में दारू की तस्करी के अनेक मामले स्थानिक अपराध शाखा की टीम ने सामने लाए। शुक्रवार की शाम 4 बजे फिर से एक बार स्थानिक अपराध शाखा नागपुर ग्रामीण की टीम ने अवैध दारू बेच रहे अपराधी को 30,000 के दारू सहित रंगे हाथ दारू बेचते हुए वाकुड़ी में पकड़ा। वाकुड़ी गांव सांगनेर तहसील अंतर्गत खापा पुलिस स्टेशन के हद में आता है। इस कार्रवाई को लेकर थानेदार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानिक अपराध शाखा की टीम पाटन सावंगी में पेट्रोलिंग कर रही थी, इसी दरमियान उन्हें वाकुड़ी में अवैध दारू की बिक्री होने की जानकारी मिली। इस आधार पर स्थानिक अपराध शाखा की टीम वाकुड़ी पहुंची। वाकुड़ी में आरोपी शांताराम रामचंद्र जनबंधु उम्र 65 वर्ष दारू बेचते हुए रंगे हाथ मिला। आरोपी के पास से देसी दारू की 130 निप, इंग्लिश दारू की 130 निप, मोहफुल हाथ भट्टी की 100 लीटर दारू मिली। यह कार्रवाई स्थानिक अपराध शाखा की पुलिस निरीक्षक ओम प्रकाश कुकाटे इनके आदेश से, सहायक पुलिस निरीक्षक राजू करमलवार इनके मार्गदर्शन में, नायक पुलिस सिपाही आशीष मुंगले, राजू रेवतकर, किशोर वानखेड़े, उमेश फुलबेल इन्होंने की। BCN न्यूज के लिए कैमरामैन मयूर सुतोने के साथ अरुण महाजन की रिपोर्ट।